का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार प्रक्षेत्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 वर्ग दशमी क्लास 10 विषय संस्कृत पूर्णांक 80 समय हो रात्रयम। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी विषय जो भी व्याकरण से संबंधित क्लास 9 हो 10 हो जो भी 5 से 10 आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पर मैं चैप्टर एंड व्याकरण सारा आपको मिल जाएगा वहाँ पर मैं। तो यह जानकारी आपको मैंने दिया। इसके बाद अब फिर हम देखेंगे नेक्स्ट में चलेंगे क्वेश्चन की तरफ कि इसका क्या क्वेश्चन होता है क्या आंसर होता है। आप उसको बिल्कुल मिलाएंगे और देखेंगे कि आपने कहाँ क्या सही किया है और कितना गलत किया है। बिल्कुल मिलाएंगे आप और कमेंट भी करेंगे कि आपने 80 में कितना लाया। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ देख लेंगे कहा कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान उत्तरंतु। तो कह रहा है सबसे पहले नंबर 1 में कह रहा है कि एक पदेन उत्तर था। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव जीवनस्य महती आवश्यकता का अस्ति। तो शिक्षा प्राप्ति ही मानव जीवनस्य महती आवश्यकता अस्ति शिक्षा प्राप्ति ही। ख में हो जाएगा पशु कह कथ्यते। तो विद्याहीनः नरः पशु कथ्यते। यह पैसेज जहाँ दिया हुआ है इस पैसेज से आपको खोजना है। ओके, चलिए नेक्स्ट में कराएगा पूर्ण वाक्यन उत्तरतः। पूर्ण वाक्यन उत्तरतः कराएगा कि काम प्राप्य एवं मनुष्यः जायते। शिक्षां प्राप्य एवं मनुष्यः जायते। ख में पुराकाले शिक्षा प्रणाल्यां कीदृशी परंपरा आसीत। तो पुराकाले गुरु शिष्य परंपरा आसीत। अस्य अनुच्छेदस्य समुचित शीर्षकं लिखत। तो भारतवर्षस्य शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट में देखेंगे 4 नंबर में कह रहा है कि निर्देशानुसार है ना उत्तरतः। तो शक्नुवन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। तो यहाँ छात्रा। अब हो जाएगा या सर्वेभ्यः हितकारिणी भवेत्। अत्र या इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्। तो शिक्षा प्रणाल्यै। अब देखेंगे नेक्स्ट में चलेंगे नेक्स्ट में गौ में कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली ही मानव जीवनस्य महती आवश्यकता अस्ति। अस्मिन् वाक्ये आवश्यकता इति पदस्य किं विशेषणम्। तो शिक्षा प्राप्यते मानव जीवनाय महती। तो 3 नंबर हो जाएगा आपका महती हो जाएगा। आप यहाँ तक देख लिए हैं और मिला भी लेंगे। चलिए नेक्स्ट में 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर मैं खंड ख रचनात्मक कार्य में। अब देखेंगे यहाँ सबसे पहले पत्र है, पत्र को हम पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर मैं किस में कौन सा होगा। तो नंबर 1 में हो जाएगा आपका दिल्ली तह। 2 में हो जाएगा आपका पुनीत। 3 में हो जाएगा अभिवादनम। 4 में हो जाएगा समायोजित। 5 में हो जाएगा अभवत। 6 में हो जाएगा प्रतियोगिताम। 7 में हो जाएगा मई। 8 में वदामी। 9 में भवतः और 10 में गिरीशः। तो आप देख लिए पत्र, 5 नंबर का पत्र है, पत्र भी देख लिए आप, मिला लीजिए कि आप पत्र में क्या किए हैं। चलिए नेक्स्ट में हम 3 नंबर में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में पत्र है यहाँ पर में चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन में जो मंजूषा दिया गया है मंजूषा कोष्ट से आप निकाल करके जो भी शब्द है इसके आधार पर में आप अपना 5 सेंटेंस अपना वाक्यानि लिखत। 5 वाक्य आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट में देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर में कह रहा है कि अधोलिखितान वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुता। मैं मोहन के साथ विद्यालय जाती हूँ। तो अहम मोहनेन सह विद्यालयम गच्छामि। उसके बाद फलों में आम मीठा है। फलेषु आम्राणी मधुराणी सन्ति। वह कलम से पत्र लिखेगा। सह कलमेन पत्रम लिखिष्यति। वे सब गांव में रहते हैं। वे ते ग्रामे वसन्ति। तुम भी घर जाओ। त्वम अपि गृहं गच्छ। अब देखेंगे खंड ख में 25 ये जो है अनुप्रयुक्त व्याकरण है 25 नंबर का। यहाँ कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन में अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदस्य संधि विच्छेदम वा कुरुता। तो तदग्रतः यहाँ पर व्याग्रह शीघ्रम तदग्रतः नष्टः। तो तत् प्लस अग्रतः। 2 में हो जाएगा 9 कह प्लस चित। तो अस्मिन् तपोवने कस्य तस्य नाम व्यवहरति। तो कश्चित। 3 में हो जाएगा कोत्र। तो कोत्र का देखेंगे कैसे अलग करेंगे। कह प्लस अत्र उत्तर संधि। 4 में देखेंगे माम अस्मात् प्लस नगरात। तो क्या हो जाए अस्मान् नगरात्।
हो गया। सिक्स नंबर में देखेंगे, सिक्स नंबर में कह रहा है कि बुद्धिमत्या, तो बुद्धिमत्या पुत्रो सिंहात भीतौ अस्तः, तो सिंह भीतौ। नेक्स्ट में उद्यम समः शरीरस्य बंधुः नास्ति, उद्यमेन समः शरीरस्य बंधुः नास्ति। तीन नंबर में देखिए कह रहा है कि अद्य धरातलम समलम अस्ति, तो मलेन सहितम, मलेन सहितम। ये क्या था, यहाँ देख लीजिए, अधोलिखित वाक्यांश रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम वा प्रदत्त विकल्पेभ्य चिंत, समास और विग्रह। यहाँ पर मैं आपको जो समास है, समास का भी प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, समास का अलग, प्रत्यय का अलग, अव्यय का अलग, उपसर्ग का अलग, संधि का अलग, ये सब आपको वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चार नंबर में कह रहा है कि विद्यार्थिनः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छेयुः, तो प्रतिदिनं, यहाँ पर दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम। अब नेक्स्ट में चलेंगे, कह रहा है कि प्रकृति प्रत्ययो उचितम संयुक्तम विभक्त संयुक्तम विभक्तम वा रूपम विकल्पेभ्यः चिनुता, ये यहाँ जो प्रत्यय है इसको अलग करना है और जोड़ना है। तो क्षमा प्लस मतुप, क्या हो जाएगा, क्षमावान, तो वीरः अभ्युदये क्षमा मतुप भवति, तो क्षमावान भवति। गृहे धार्मिक धार्मिकम अनुष्ठानम भवेत, तो धर्म प्लस ठक प्रत्यय हो जाएगा धार्मिकम। नेक्स्ट में आशा बलवती भवती, आशा बलवती, तो बल प्लस मतुप प्रत्यय, यहाँ पर में बल प्लस मतुप हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्ष प्लस ठक, तो हो जाएगा यहाँ पर में वार्षिकी। अब वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चुनुता, वाच्य का जो नियम है उसके अनुसार उचित विकल्प चुनिए। गरिमा अजय अहम प्रतिदिनम व्यायामम करोमि। नेक्स्ट में टू में प्रातः पंचवादने उत्थीयते, तो त्वया प्रातः पंचवादने उत्थीयते। तीन नंबर में हो जाएगा गरिमे किम त्वम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठसि। अब देखेंगे यहाँ पर प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुता, कालबोधक शब्द मतलब समय शब्द, समय ज्ञान जो होता है, बिल्कुल आसान है। समय ज्ञान के ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत सुंदर वीडियो है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। समय ज्ञान के ऊपर भी एक वीडियो यदि देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समय ज्ञान परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट में कह रहा है, हाँ नंबर वन, वन में हो जाएगा अष्ट, क्या हो जाएगा, अष्टवादने विद्यालयम गच्छति। अब दो नंबर में कह रहा है कि सह सार्ध नव वादने जलपानम करोति। अब देखेंगे तीन नंबर में कह रहा है कि सह सपाद एक वादने गृहम आगच्छति। चार में देखेंगे सह पादोन पंचवादने गृहात बहिः क्रीडनाय गच्छति। दस में हो जाएगा वाक्यानुगुणम उचिता व्यय पदम चिनुता, उचित अव्यय शब्द को चुनिए। अव्यय का भी एक वीडियो बना हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है, आप उसको देखेंगे तो अव्यय बिल्कुल आपको कंट्रोल हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट में तीन, पहला कह रहा है कि रमा ह्यः विद्यालयम गतवती स्वः वने पशु महोत्सवः भविष्यति। भविष्यति है जिसके कारण यहाँ पर मैं स्वः लगा, वहाँ गतवती, गतवान, गतवती, गतवती था इसीलिए क्या हुआ यह लगा भूतकाल के लिए, भविष्यति है इसीलिए भविष्यति स्वह लगा। चलिए इसको ध्यान रखेंगे, त्वम इदानीम कुतः आगच्छसि। अब देखेंगे नेक्स्ट में कह रहा है कि अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति, शुद्ध पदम विकल्पेभ्यः चिनुता, शुद्ध पद कराए के विकल्प से चुनिए। तो त्वम फलम खादति, त्वम फलम खादसि, क्योंकि त्वम के साथ मध्यम पुरुष लगेगा, अहम के साथ उत्तम पुरुष लगेगा और अन्य के साथ प्रथम पुरुष लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा इसलिए त्वम है इसलिए हो जाएगा खादसि। दो में हो जाएगा उद्याने अनेका वृक्षाः सन्ति, क्या हो जाएगा, उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति। ओके अब देखेंगे लास्ट में तीन नंबर में कह रहा है कि सह यह ग्रामम गमिष्यति, तो सह स्वह ग्रामम गमिष्यति, सह स्वह ग्रामम गमिष्यति, क्योंकि गमिष्यति है भू भविष्यत काल का, इसीलिए हो जाएगा स्वह।
ओके चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट में खंड घ पठित अवबोधन 30 अंक का है। तो यहाँ पर मैं पठित अवबोधन मतलब बुक से होगा, तो इसको भी देखेंगे। पैसे दिया हुआ है, भो वाषव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि सह दीन इति जानन्नपि कृषक तम बहुधा पीड़यति। ये एक अनुच्छेद दिया हुआ है, पैसे दिया हुआ है, इसके आधार पर में हम लोग प्रश्न निकालेंगे। इसमें से एक पदेन उत्तरंतु का बलि वर्धनम वर्दम बहुधा पीड़यति तो कृषक सह केन भारम उद्वहति तो कृच्छेन। पूर्ण वाक्यन उत्तरत इंद्र सुरभ्य किम अवदत् तो भद्रे नूनम सहस्राधिकेशु। ख में इंद्रेण पृष्ठा का प्रत्यवोचत तो इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावोचत। निर्देशानुसारेण उत्तरत तीन नंबर में कृषक तम बहुधा पीड़यति अत्र कर्तृपदम किम अस्ति तो कृषक। काठिन्येन इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम किम अस्ति तो कृच्छ्रेण। तो यहाँ पर मैं आप एक देख लिए कि पठित से गद्यांश, उसके बाद अब आपको अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा तदाधारितम प्रश्नान उत्तरयन्तु। जैसे आप यहाँ पर मैं इसमें से पैसे से निकाले हैं प्रश्न, उसी प्रकार आपको यहाँ भी निकालना पड़ेगा श्लोक में से। क्या है? दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम महानगर मध्य चलद चलत अनिशम कालाय सचक्रम मन शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतैर दसनैर मुना स्यान्नैव जनग्रसनम सुजी पर्यावरणम। अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि एक पदेन उत्तरंतु तो कालाय सचक्रम कुत्र चलति तो महानगर मध्ये अत्र कीदृशम जीवितम तो दुर्वहम। पूर्ण वाक्यन उत्तरता तो महानगर मध्ये किम चलती तो कालाय सचक्रम चलती। मन कह शोषयती तो मन कालाय सचक्रम शोषयती, देख लिए। चलिए अब देखेंगे तीन नंबर में कह रहा है कि निर्देशानुसार है ना उत्तरता तो कौन हो जाएगा सूची पर्यावरणम इत्यनयो पदयो विशेषण पदम किम तो सूची ही। ख में कुटिलम इति पदस्य पद्यांशे पर्याय पदम किम अस्ति तो चक्रम। अब देखेंगे यहाँ पर मैं अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान उत्तरंतु तो यहाँ पैसे दिया गया है, नाट्यांश दिया गया है, इसको हम देखेंगे और इससे प्रश्न निकालेंगे। पहले एक पद में, उसके बाद पूर्ण वाक्य में, फिर उसके बाद यहाँ नीचे में निर्देशानुसार उत्तर। तो निरनुक्रोश इति कह एव भणति तो अम्बा सीता किम कुपिता एव भणति इति कह वदति विदुषकः। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरतात् कुशस्य माता कदा अधिक्षिपति यदा लवकुशौ वालया वजनतम किंचित अपि यम पश्यति तदा। ख में निरक्रोशस्य पुत्रौ मा चापलम इति का अधिक्षिपति इति अम्बा सीता। निर्देशानुसारेण उत्तरता तो क में कुपिता एवं भणति अत्र क्रियापदम किम अस्ति तो भणति। माता इति पदस्य पर्याय पदम नाट्यांशे किम प्रयुक्तम तो अम्बा। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु तो यहाँ पर में कज्जल मलिनम तो क्या होता है कीदृशम। राज सिंहौ तो राज सिंहों का हो जाएगा किम। मनुष्याणाम तो केशाम। पिकह तो कह हो गया। चलिए अब देखेंगे कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन में अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा पूरयित्वा पुनः लिखत। गुणी गुणम वेत्ति क्या कह रहा है? गुणी गुणम वेत्ति न निवेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। चलिए इसका देखेंगे यहाँ पर मैं अन्वय कर रहा है कि गुणी गुणम वेत्ति पहला हो जाएगा गुणम। दूसरा में कह रहा है कि निर्गुण न वेत्ति बलि बलम वेत्ति। तीन में हो जाएगा आपका पिकह बलम न वेत्ति। बसंतस्य गुणम बसंतस्य
बसंत, यहाँ पर मैं दो में हो जाएगा निर्बल, थोड़ा सा यहाँ पर हम ये कर दिए, बली बलम वेत्ति, दूसरा में हो जाएगा निर्बल, निर्बल बलम न वेत्ति। वसंतस्य गुणम, तीन में हो जाएगा पिकह, वसंतस्य गुणम पिकह वेत्ति। वायस न सिंहस्य बलम करीवेति मूषकः न। तो यहाँ पर में अन्वय इस तरह से है। अब देखें करें अधोलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम लिखता, इसका भावार्थ लिखना है, एक अन्वय था और एक भावार्थ रहेगा। तो अन्वय इस प्रकार से आप देख लिए, उसके बाद भावार्थ दिया हुआ है, उसके साथ आपको नीचे मंजूषा भी दिया है, मंजूषा से शब्द को निकालना है और उसको डाल देना है। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि मंत्रहीनम, एक में हो जाएगा आपका अक्षरम न भवति, औषधम बिना मूलम न भवति, कोपि पुरुषः अयोग्यः न भवति, किंतु तस्य योग्यताया योजकः दुर्लभः भवति। आप यहाँ देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अधोलिखितम कथाया कथांशम घटनाक्रमानुसारेण पुनः लिखता। तो पहला हो जाएगा पहला में आप पहला के जगह पर देंगे, पहला में देंगे 6 को, दूसरा में हो जाएगा 1, तीसरा का हो जाएगा 3, चौथा का हो जाएगा 5, 5 का हो जाएगा 4, उसके बाद 6 का हो जाएगा 7, और 7 का हो जाएगा 8, और 8 का हो जाएगा 2। आप देख लिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, प्रदत्त शब्दानाम अर्थ सह मेलनम क्रियताम। तो पहला हो जाएगा तुरनम, तो तुरन जो है सो शीघ्रम, भार्या का हो जाएगा पत्नी, कोकिलह का हो जाएगा पिकह। तो इसी के साथ आपका प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी आप प्रश्न देखेंगे मिलाएंगे, उसमें देखेंगे आप क्या क्या सही किया, आप 80 में से कितना लाया, उसको आप कमेंट में ज़रूर आप लिखेंगे, कमेंट करेंगे कि आपने 80 में से कितना लाया, कितना पाया। ओके, धन्यवाद, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः मिलामः।